सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो युग कट है, युग प्रतिष्ठा का वो है भाई, बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी समझौता नहीं है। प्रशासन का कानून है, कानून हमारा भी है भाई, कुछ भी हो सके इसमें। उसके लिए आप लोग तैयार तो हो तो बताओ। और बस ठीक है, एसडीएम साहब ना कहीं वहां समझौते हो तो मैं किसी को कहना तो बता दियो, नहीं यहां को एक पहिया नहीं चलने का किसी भी गाड़ी का। हमने अपनी सोने के भाग की जमीन दे रखी, हमें इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं जो किसी को जमीन की कीमत दे रखी, हम उसके तीन गुना दे देंगे। एक किसान की जमीन वापसी कर दो, आप लोगों पे जिंदा नहीं रहा जाने का। ये तो कट का तो एक ओड्डा है, आप लोगों को दबाने का एक ओड्डा है। इंगे श्यामली तक और इंगे मंसूर पर कुछ इस इलाके में बिल्कुल वीरान इलाका है, यू वीरान, कोई रोजगार नहीं, आसी कुछ नहीं। और सभी को कहा हमारे बहुत बुजुर्ग साथी है बाबा टिकैत ने कहा कि लड़ाई लड़नी गलत बात, क्या कहा, लड़ाई लड़नी छेड़नी गलत बात, लेकिन लड़ाई शुरू होगी तो छोड़नी हो। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, समस्त खाप चौधरी, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, हमारे एसडीएम साहब भाई, सबने अपनी बात अच्छी तरह से बताई। सीधी बात है, कट बिना काम नहीं चलने का। प्रतिष्ठा प्रशासन की है तो प्रतिष्ठा हमारी भी है भाई। आप लोगों के भरोसे बड़े बड़े निर्णय ले ले, आप लोगों के भरोसे हमें सहयोग की जरूरत है। सहयोग बागपत जिले का भी सहयोग है, जहां कोई हाईवे आ रहा निकल कर, और सहयोग सहारनपुर का भी है, सहयोग श्यामली का भी है, सहयोग उत्तराखंड का भी है। जो पहले राजा महाराजा में मांगा करते थे नहीं मदद, आज संकट की घड़ी भाई, यहां से मारे पे भी काम नहीं चलने का। देखो साफ बात है, ये संकट जो यु कट है, यु प्रतिष्ठा का वो है भाई, बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी समझौता नहीं है। प्रशासन का कानून है, कानून हमारा भी है भाई। वो तो खैर, मैं सब खाप चौधरी के ऊपर को होकर यह निर्णय ले रहा, सुलह मशवरे में तो ये रहेंगे, चलेगी तो इनकी बात। 36-37 साल की जो कुछ हुआ है, संगठन की जो कुछ उतार चढ़ाव आए, क्या क्या हुई बातचीत, सारी बात भूल कर सिर्फ वे अलग बात थी या कट की बात, बिल्कुल प्रतिष्ठा की बात है भाई, कुछ भी हो सके इसमें। उसके लिए आप लोग तैयार तो हो तो बताओ। और बस ठीक है, एसडीएम साहब ना कहीं वहां समझौते हो तो मैं किसी को कहना तो बता दियो, नहीं यहां को एक पहिया नहीं चलने का किसी भी गाड़ी का। कोई गाड़ी वहां तक चलती होगी, वहां तक जो बागपत वाले वे वही रोक देंगे, और उनका उत्तराखंड वाले रोक देंगे, और जहां से भी काम चल रहा हो भाई, जो किसी में हिम्मत हो सब तुरंत रोकने की वा करो, काम ना चलन दो इस पे। और भाई देखो ये कह रही भाई बात है, कितने याद को लगा रखी, कट की क्या जरूरत है, कट की जरूरत है भाई। हमने अपनी सोने की भाग की जमीन दे रखी, हमें इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं जो किसी को जमीन की कीमत दे रखी, हम उसके तीन गुना दे देंगे। एक किसान की जमीन वापसी कर दो, जहां जो कि लग जाएगा ना पता, अगर उसे 10 लाख रुपए दे रखे, हम उस जमीन के 30 लाख रुपए दे सहे ना चोड़ों को,
वही जहाँ किसी की मिजान से की जमीन है अपना, वो ले लो, वो उसकी खाली कर दो। अरे हमारी छाती पर कोई यू हाईवे चलेगा और हम कुछ भी नहीं, खड़े खड़े देखते रहेंगे, इन वाहनों को देखते रहेंगे, हम खड़े हो गए, हमको तो कोई कुत्ता भी नहीं चढ़ सकता इसके ऊपर, इतने उल्टा सांग भर दिया उन्होंने। आप लोगों पर जिंदा नहीं रहा जाएगा, ये तो कट का तो एक ओड्डा है, आप लोगों को दबाने का एक ओड्डा है, आप लोगों को दबाने का एक ओड्डा है। यहां से केना मोटा इंगे सामने तक और इंगे मंसूर पर कुछ इस इलाके में बिल्कुल वीरान इलाका है, यू वीरान, कोई रोजगार नहीं, यहां से कुछ नहीं। क्या आप लोग नहीं सड़क पर हो गए बैग टांग टांग जाओगे नौकरी करण कहीं, पांच पांच सात सात हजार रुपए की नौकरी के लिए? यहां सोच रहे यहां से गोदाम बन जा, फैक्ट्री लग जा, बहुत कुछ आने वाले पांच सात दस साल के लिए सोच कर देखो, इस इलाके को बिल्कुल मजदूर बनाने की नियत इस सरकार की है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आज के युवाओं की जिम्मेदारी है, और जो कोई मारा भाई कट का विरोध करता हो उसे सिम जाओ। नहीं इस तरह की बात है, बहुत आदमियों को समझ में आ रही है, ये आदमी कह दे तो उतर चढ़ तो जा ही है, वह कुछ नहीं, जब उन्नत तरीके तो सिम जावे उसकी समझ में आवे। इस तरह का काम ना करे कोई भाई, कहना कट की कुछ जरूरत नहीं, कट की जरूरत है मैं उन्हें नहीं कुछ सहयोग देना, अपने घरों भेज जाओ। इसमें किसी बिरादरी की किसी मजहब की बात नहीं, सब चौधरी आ रहे। बात हमने वहां से भी सिसोली भी करी, सब मार्केट वाले इकट्ठे हुए, मैंने कहते जी बहुत बड़ा कदम है आप लोगों का, और आप लोग भी जो जिम्मेदार है, जो खाप चौधरी है, वे इसे इसमें सफलता दुआ सके नहीं देने के नहीं। तो हम तो फिर भी आप लोगों को यही कहे, सब मनमुटाव भुला के जिस तरह था आज इकट्ठे हुए, थोड़े से ही आह्वान पे, ज्यादा बड़ा नहीं आह्वान, जिले तो मुझे लगे सात दस जिले आ रहे होंगे, हाँ दस पंद्रह जिले आ रहे होंगे, डॉक्टर साहब है, सुभाष जी है, और भी सब ही आ रहे, उत्तराखंड से आ रहे शास्त्री जी। भाई आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सहयोग करा, जो खाने पीने का भी इंतजाम लोगों ने वहां तक मंसूरपुर तक लगा के और यहाँ तक, इनके लिए भी धन्यवाद है। शांति के तरीके तो आप लोगों ने यह जो यात्रा है यह सफल बनाई। मारा तो एक विचार हो रहा है, एक यात्रा इनके तो श्यामली की तरफ तो भी लिख रही आई जी, उसमें कोई सा दिन धरके और उसमें भी इस तरह का अनुमान हुई सहयोग रहेगा। कुछ भी थाम भाई, बिल्लू राणा सिल्लू राणा जिन जाने थे 21,000 रुपए दिए तो थे किसान यूनियन के दफ्तर के लिए, पर यहां भी काम चल रहा, हम यू पैसा यहाँ की टीम को दे रहे भाई, जो यहाँ धरना चला रहे। नहीं नहीं तुम चला लो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं बाबा जी, अभी गांव में से पूरे गांव में से अभी बांज बटड़ी हुई थी, पूरा सहयोग रहा, सबने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, बहुत पैसे बटड़े हो गए भी, यहाँ कोई जरूरत नहीं, जरूरत होगी आपके बता देंगे। चलो ये हमारी तरफ से दफ्तर में ही रहेगी। धन्यवाद राणा जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सहयोग कर रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और आपके भी अध्यक्ष का भाषण जो होगा, और इसी तरह का सहयोग आप लोग करते रहो, आप लोगों के भरोसे यह लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई नहीं सोचने लगा अग भाई ये खाप चौधरी या कोई और, नहीं धरना तो है जारी, धरने में क्या कुछ है, धरना तो ठीक है जी। जय हिंद जय भारत। देखिए अभी जो अध्यक्ष जी है उनका और बात सुन लो, और धरना तो बाल स्तूर है ही।